मर्जी थी आपकी। सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बात नहीं मानी उसने, कोई इज्जत नहीं रखी ना आपकी ना के कहने की। वो पूर्वी है, आपने हिम्मत देखी उसकी? आपने उसे कहा कि वे ऐसे चली जाए, ना के कहने के बावजूद वो नहीं गई। उसने आपकी बात भी नहीं मानी, वो अपनी मर्जी चला रही है। ऐसे बिहेव करिए जैसे घर उसका है आपका नहीं। कोई इज्जत ही नहीं करी उसने। आंटी मुझे डर है कि अगर ऐसे ही चलता रहा ना आपकी चलेगी भी नहीं इस घर में, उसका राज चलेगा। गलत नहीं कह रही है ये हकीम, समझदार को ना सिर्फ एक इशारा काफी होता है। पूर्वी ने जिस तरह से तुम्हारा कहा ना मान के तुम्हारी इंसल्ट की है, मैं क्या ही बोलूं। आई मीन ये घर तुम्हारा है, तुमने सारे परिवार को संभाल के रखा है, सबको एक साथ रखा है प्यार से, और वो लड़की हाथे ही सब कुछ अपने हाथ में ले लिया, जैसे कि तुम्हारी जुबान की कोई वैल्यू ही नहीं हो। ये बात तो मैं भी मानती हूँ परचाई जी, है ना, इसीलिए नहीं क्योंकि रोशनी जी या मोनिशा ये बात कह रही है, पर अब तो मुझे भी यही लगता है कि वो लड़की कुछ ज्यादा ही मनमानी कर रही है अपनी हमारे घर में। मैं यूजुअली ना पूर्वी के बारे में कुछ नहीं कहती, मुझे लगता है कि आप आपको ऐसा ना लगे कि मैं ये सब अपनी बहन के लिए कर रही हूँ, लेकिन आज मौन सही है। पूर्वी इस घर पे राज कर रही है, हुकूमत चला रही है यहाँ पर, और आज तो उसने खुद इस बात का सबूत दिया है ना। हमें से कोई नहीं चाहता था कि वो यहाँ रहे, हम सब ने कहा था कि वो चली जाए, गई नहीं ना, यही है हमारे घर में। तब कहाँ थी वो जब हमें उसकी जरूरत थी, और फिर आज क्यों वापस आई है, क्या चाहती है वो, किसने कर रही है ये सब? तो हम सबको नीचा दिखाना चाहती है, उसे ऐसा लगता है सब भोला भाला चेहरा देखकर सारे घर वाले इसकी तरफ हो जाएंगे। वो दादू तो है उसके साथ, तो बस किसी और की इज्जत करने की कोई जरूरत ही नहीं है। परजाई जी, ये आपका घर है, आज तक इस घर को आपने चलाया है, और हम सब ने पूरे परिवार ने आपकी हर बात मानी है, आपको वो इज्जत दी है, वो मान दिया है, ये बात तो आप मानती है ना। तो फिर आप ही बताइए, आज हम सबके सामने वो कल आई हुई लड़की आपकी इज्जत नहीं करती, आपको कुछ नहीं मानती, ये कैसे बर्दाश्त करें आप? परजाई जी, अगर आप ही कुछ नहीं कर सकते तो कोई और क्या ही कर लेगा उसका इस घर में। कहाँ है वो? कौन मैम? पूर्वी। कहाँ है वो? पूर्वी मैम तो आरडी सर के लिए खाना लेके गई पुलिस स्टेशन, और हरमन सर और दादू भी उनके साथ हैं। क्या? वो पूर्वी मैम ने आरडी सर के लिए अपने हाथों से खुद खाना बनाया था, और वो बहुत सारा खाना लेके गई है, इसलिए हरमन सर और दादू भी उनके साथ। ठीक है ठीक है, पूर्वी बुलान बंद करो और जाओ यहाँ से। ये पूर्वी ना ये सबको जानबूझ कर रही है। क्या प्रूफ करना चाहती है ये? इससे आरडी की परवाह ज्यादा है। नहीं दी, आप समझे नहीं, आदमी के दिल का रास्ता कहाँ से जाता है? व्हाट आर यू इवन आस्किंग? बाईपास सर्जरी से? मैं हिंदी मुहावरे की बात कर रही हूँ, आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होके जाता है। पूर्वी आदमी कैसे खाना बना के ना उसके और करीब जाने की कोशिश करे, और इन चारों के साथ साथ वो हरवीन आंटी को नीचा भी दिखाने की कोशिश करे। वो तो ये दिखाना चाहती है ना कि जो काम आंटी नहीं कर पाए उसने करके दिखा दिया। उसको जो दिखाना था उसने दिखा दिया। अब वो सिर्फ वही देखेगी जो मैं उसे दिखाऊंगी। आ जाने दो उसे वापस, पूरी जिंदगी कोई चाल नहीं चल पाएगी फिर। मतलब अजय जी, आप क्या करने वाले हो? क्या दिखाओगे हमारे? वो मैं जानती हूँ, पर माँ प्लीज हमें तो बताओ। थोड़ी देर और, सब पता चल जाएगा। तुम दोनों आरवी के कमरे में जाओ और पूरे के सारे कपड़े पैक कर लो। पैकिंग होने के बाद हॉल में आ जाओ।
नहीं मिल सकते आप लोग। नहीं मिल सकते? नहीं। लेकिन लेकिन क्यों इंस्पेक्टर, प्रॉब्लम क्या है? देखिए हम सिर्फ आरवी को देखना चाहते हैं बस, हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, पक्का एक नजर बच्चे को देख ले वो ठीक है कि नहीं। बस सर पुलिस थाना है, पहले भी बोला है यहाँ काम कायदे कानून से होते हैं और मिलने का टाइम खत्म हो चुका है। तो आप सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ना किसी और बात के लिए उससे मिलना नहीं चाहते, बस थोड़ा सा खाना लेकर आए हैं अपने बेटे के लिए। देखो तुम्हारा भी तो परिवार होगा, तुम अपने परिवार से प्यार करते होगे, उनकी चिंता भी करते होगे। हमारा भी ऐसे परिवार है, हम उसकी चिंता करते हैं। अब मैं तुम्हें असल बात बता, असल बात ये है कि हमारे पोते का पेट ठीक नहीं रहता जी, बड़ा नाजुक पेट है, बाहर का कुछ भी खाता बीमार पड़ जाता, उसे कुछ जमता ही नहीं, कुछ पचता ही नहीं। इसीलिए तो हम उसके लिए ये घर से खाना बनवा के लाए हैं, खाना खिलाएंगे और चले जाएंगे, बस इतना ही वक्त चाहिए हमें अपने बेटे के साथ। ये प्यार, रिश्ते, परिवार, ये सब मैं नहीं देख सकती। अगर ये देखूंगी ना तो ड्यूटी नहीं कर पाऊंगी, और मुझे कानून देखना होता है तो वो तो देखना ही पड़ेगा, तो मैं मजबूर हूँ। और नहीं का मतलब नहीं, आप लोग आगे से नहीं मिल सकते। आइए आइए आइए, ये एक काम करिए सर, खाना यहाँ पे रख दीजिए सर। ये क्या हो रहा है, हाँ क्या हो रहा है सर? जी ये सबके लिए, मेरा मतलब यहाँ पे जितने लोग हैं मैं सबके लिए लेकर आई। मैम आप अगर नहीं चाहती तो मैं नहीं चाहती। मैम क्यों, मेरा मतलब है इसमें सिर्फ खाना है, ये खाने के डब्बे है, और मुझे पता था आप सब लोग बहुत सारे हो तो मैं सबके लिए ले आई। सॉरी बस थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि इतने लोगों का खाना बनाने में टाइम तो जाता है। एक मिनट, ये चल क्या रहा है यहाँ पर, हाँ क्या चल रहा है, हर कोई मुझे यहाँ बेवकूफी समझ रहा है जी। क्या जी, हाँ सब समझती हूँ मैं, ये सबके लिए खाना ये एक तरह की घूस है, समझ में आया? नहीं नहीं मैम आप शायद गलत समझ रही है, रियली सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है। और मैम मैं आरवी के लिए खाना ला रही थी, फिर मुझे लगा कि आप सब लोग भी तो, और आप लोग तो शायद ही घर का खाना खा पाते, पर सच में मैं जल्दी खाना बना लेती हूँ, मेरे पास कुक भैया भी थे, पर बाकी मेरे से कोई इंटेंशन नहीं थी, मैं सच में खाना ही लेकर आई हूँ सबके लिए। और ये घूस, मुझे तो इसका मतलब भी नहीं पता, पर ठीक है मैम अगर आप नहीं चाहती है कि हम आरवी से मिले तो कोई बात नहीं, हम नहीं मिलेंगे, हम समझते हैं आपकी ड्यूटी है, हम आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। बस मैम आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये घर का खाना है, आप सब लोग खा लेना, और ये वाला खाना ये आरवी को दे देना प्लीज। हो गया, जो बोलना था बोल लिया, मैंने सुन लिया, लेकिन मैं अभी भी आप लोगों को आरवी से नहीं मिलने दे सकती। हाँ तो मैम मैं भी यही कह रही हूँ कि कोई बात नहीं, हम नहीं मिलेंगे, हम चले जाएंगे, बस इसे खाना ये आरवी को दे देना। ठीक है, हम भी बस यही चाहते थे, बच्चे ने सुबह से कुछ नहीं खाया, घर का खाना मिलेगा तो उसे अच्छा लगे। ठीक है, थैंक यू मैम, हम चलते हैं। फिर आइए अच्छा फिर आइए बच्चे। मैडम अच्छी लड़की लगती है, जाने दो अंदर मिलने के लिए। आप ही बताओ आज तक कोई घर का खाना लाया है क्या हमारे लिए? एक दिन के वो खुशूस नहीं लाई है, हमें भी तो इंसानियत दिखानी पड़ेगी ना मैम। रुको, जी मैम देखो पूर्वी, मैंने सोचा तो नहीं था कि मैं ऐसा कुछ बोलूंगी, लेकिन तुमने जो किया, मतलब तुमने सबका ध्यान रखा, सबके लिए खाना लाई, ऐसा पहली बार किसी ने किया है, अच्छा लगा, इसीलिए जाओ मिलो। क्या हम मिल सकते हैं? थैंक यू सो मच, ठीक है चल। नहीं 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 ये लोग नहीं, सिर्फ तुम। सिर्फ मैं? के बिना ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। हे मैम रहने दीजिए, कोई बात नहीं, आप ये खाना आरवी को दे देना। ठीक है सब जाओ, पर ज्यादा देर नहीं। हाँ हाँ जल्दी आ जाएंगे, हम आ जाएंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। तुम यहाँ क्यों आई, क्यों बार बार यहाँ आ रही हो तुम? अरे मैं ये तुम्हारे लिए, मैंने मना किया था ना, मैंने कहा था जगह तुम्हारे लिए नहीं है, तो फिर क्यों आई तुम? अरे तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारी दिक्कत पे है, तो तुम इसे बार बार डांटते रहते हो, अब कम तुम इसे हमेशा गलत समझते हो, किस्मत वाले हो जो इतनी अच्छी लड़की मिली है।
इसकी कीमत समझो। देखो देखो तुम्हें तुम्हें कुछ पता नहीं है। तुम ना ना ऐसे गुस्सा नहीं करते। जो कहा है सही कहा है उसने। पर पूर्वी तो तेरे लिए रब की भेजी हुई बच्ची है और वो भी सिर्फ तेरे लिए। तुझे पता है वो तेरे लिए यहाँ पर आई है खास करके और वो भी खाना लेके। सिर्फ तेरे लिए नहीं खाना लेके आई, पूरे जेल स्टाफ के लिए खाना लेके आई है। बेटे मैं और बाबूजी जो तुझसे मिल रहे हैं ना इस वक्त सिर्फ इस बच्ची की वजह से, अपने अच्छे नेचर की वजह से सबका दिल जीत लिया इसने यहाँ पे। इंस्पेक्टर ने खुद परमिशन दी है, समझ रहा है ना तू आर्मी। चलो सबसे पहले खाना खा ले। तू खाना खिला मुझे पकड़ाइए। हाँ नहीं मुझे मुझे कोई भूख नहीं है। और तुम सुनो ये करने की जरूरत नहीं है, आई मीन ये खाना वाना लाने की कोई जरूरत नहीं। आर्मी फिर वही बात, इतना समझाया तुझे फिर डांट रहा तुझसे। अपने हाथों से खाना बना के लाई है तेरे लिए और तू है कि खाने से मतलब भाव खा रहा है। तुझे पता है यहाँ पर आके उसने जो काम किया ना वो कोई नहीं कर सकता, समझा तू। चल अब चुपचाप खाना खा, मुझे सब पता है इसकी चालाकी। तुम जानबूझ के डैड और दादू को यहाँ लाई हो ना ताकि मुझे डांट पड़वा सको। हाँ लाई डांट पड़वाने के लिए लेकर आए, दुश्मन हूं ना मैं तो तुम्हारी। अब ऐसा क्या देख रहे हो, सच्ची तो कह रही हूँ मेरी हर बात तुम्हें गलत लगती है। नहीं हूँ मैं तुम्हारी दुश्मन, पत्नी है तुम्हारी, कोई जीवन साथी है। वैसे कुकुर का पेट भरोगे, चल खाना खाओ आओ बैठो जल्दी। बैठो आ जाओ बैठो जब उधर बैठ। अरविंद मुंह खोलो, चलो डबस बनाइए। कौन अरविंद? जबरदस्ती की जिद मत कर, वरना इससे भी बड़ा निवाला खिलाऊंगी तुम्हें। ठीक है तुम्हें पनीर पसंद है ना, तो मैं तुम्हारे पसंद का खाना लेकर। नेहा कहाँ रहती है अभी?
लेकिन जब वो आर्मी से मिली ना उसने अपना नाम छोटा बताया नेत्रा नाम छोटा बताया इस बात का तुम्हें कैसे पता चला क्योंकि पापा जब आर्मी उससे पहली बार मिला ना वो नशे में नहीं था तो उसने खुद को इंट्रोड्यूस नेत्रा के नाम से करवाया नेहा नहीं झूठ बोला उसने पर मैं भी अब यही सोच रही हूँ कि उसने झूठ क्यों बोला हाँ एग्जैक्टली जब मैं उससे पहली बार मिला तो मैं नशे में नहीं था तब उसने अपना नाम नेत्रा बताया था ये तो मैंने सोचा ही नहीं क्यों मुझे झूठ बोल रही है मुझे लगा था कि मैं ही गलत था लेकिन आप जब कह रही है ना तो मुझे रियलाइज हो रहा है कि नहीं वो गलत थी मुझे तो खुद पे डाउट हो रहा था चलिए आप टाइम हो गया मैडम ने बोला था ना ज्यादा देर जी 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 बस आ ही रहे हम लोग अपना ख्याल रखना एक बात बोलूं अरे इंसान कमजोर तभी होता है जब वो खुद पर विश्वास करना बंद कर देता है मत होने देना सब खुद पर भरोसा रखना तुम गलत नहीं हो शांति हो मैं और कुछ तो है जो गलत है कुछ तो है जो सही नहीं है डोंट वरी सब कुछ जल्दी सामने आ जाएगा बस खुद पर विश्वास रखना ये विश्वास टूटने मत देना अभी इसी टाइम खराब होना था कितना समय बर्बाद हो गया कोई बात नहीं दादा आप परेशान मत हो पापा चेक करवा के ले आएंगे अरे पुत्र मैं परेशान नहीं हूँ परेशान तो बेचारा वो हो रहा क्या हुआ
आप सब ऐसे ही साथ। क्या बात है, कोई बताएगा अरलीन? ये बात तो मेरा है, यहाँ पे कैसे आया? क्या हुआ है, कुछ बोलेगा? अभी पता चल जाएगा बाबूजी, बात क्या है। मोनिशा बताओ क्या हुआ, पूर्वी और आरवी के बीच क्या हुआ था, ये मोनिशा बताएगी। पार्टी वाली रात आरवी और पूर्वी के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, मुझे लेकर। पूर्वी आरवी पे शक कर रही थी, बेचारा आरवी सिर्फ इतनी कोशिश की से समझाने की, इसका शक दूर करने की, इससे बात करने की, फिर सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। और झगड़ा करते करते मैडम निकल के हॉल में आई तो आरवी उसके पीछे पीछे भागता हुआ आया। उसे सोचा बात करके उसे समझा देगा, लेकिन सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। आरवी ने तो उसको बोला भी, कितना बोला कि घर छोड़ के मत जाओ, रुक जाओ, पर उसने बॉदर ही नहीं किया। ये चली गई बिना आरवी की परवाह किए, उसकी फीलिंग्स के बारे में बिना सोचे। क्या बोल रहे हो तुम, सब क्यों बोल रहे हो, आप क्या बात करना चाह रहे हैं? तुम सच में नहीं समझो, नहीं समझ में आ रहा तुम ये क्या कह रही है या हम क्या कहना चाहते हैं। मोनिशा ने जो अभी सब कुछ बताया, क्या तुमने नहीं किया आरवी के साथ? या ना हिम्मा, ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर तुम घर छोड़ के क्यों गई, बोलो? क्योंकि तुम्हें मेरे बेटे पे विश्वास नहीं है, और ये सब कुछ कह के तुमने उसका दिल दुखाया, उसे दुख पहुंचाया, इसलिए उस रात पार्टी में उसने ड्रिंक की। और फिर ये जो सब कुछ बुरा हो रहा है ना उसके साथ, वो सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। आज अगर मेरा बेटा सलाखों के पीछे है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से होगी। ऊपर से ऊपर बढ़ाने का ही सोचता रहता है फिर। तो वो व्यूज और वास्ते वहां से गेन करते रहते हैं, तो अपने खुद ही सही है। वहां से अगर गेन होगा तो फिर दिक्कत ही नहीं है ना। सही है ना। बिल्कुल करेक्ट है। हम 500 व्यू हम निकालते हैं उसके फटाफट। सही है, काम कर सकता है ये तरीका अपना। कारगर होगा साबित। क्योंकि ऐसे तो मोबाइल में क्या कि हम चलाएंगे ना, वो यूज काम नहीं आते, ऐसे ब्राउजर में चलाएंगे तो ब्राउजर में वो सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब उसमें आपकी कम से कम 50-60 वीडियो एक साथ चल सकती है। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो जैसे सीरियल का 15-10 मिनट होगी तो पुराने वाले वो तो बंद कर दो। सही है। सही है। या तो 100-100 के 5 अलग अलग लिंक बना लो। सेम टू सेम। तो हेलो दोस्तों, सभी लोग आप कैसे होंगे, फिर तो आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस लाइव स्ट्रीम यानी कि लाइव वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। आज की जो लाइव वीडियो होने वाली है ये बहुत ही शानदार होने वाली है। सॉरी जो ये हमारी वीडियो अभी हम एक चैनल पर लाइव पर भी लाइव हुई है, तो आप सभी लोग बने रहे हमारे ब्लॉग के अंदर, शानदार ब्लॉग होने वाला है। ठीक है, उसके अंदर बने रहे।
उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपको कैमरे की क्वालिटी है तो थोड़ी ख़राब हो सकती है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं एक अच्छा सेटअप बनाने के लिए आपके लिए। जल्द सेटअप तैयार होगा तो उस पर हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके लिए, ठीक है। अभी तक आप इसके साथ ही नहीं करते हो, ठीक है। आप सब लोग कैसे हैं कमेंट में बताएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।